भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार एक्शन मोड में आ गई है। राज्य सरकार ने पूर्व जयराम सरकार द्वारा खोले गए दफ्तर को बंद करने की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में सोमवार देर शाम पूर्व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के धर्मपुर चुनाव क्षेत्र में खोले गए डिप्टी डायरेक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉर्टिकल्चर सिद्धपुर दफ्तर पर ताला जड़ दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर समेत इस दफ्तर का पूरा स्टाफ बागवानी निदेशालय शिमला बुलाया गया है। पूरी तरह फंक्शनल दफ्तर बंद करके सुखविंदर सुक्खू सरकार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। ये संकेत है कि आगामी दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य और वन इत्यादि विभागों के दफ्तर भी बंद किए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने बागवानी विभाग के इस दफ्तर को कैबिनेट के बिना ही बंद किया है, जबकि ये दफ्तर कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही खोला गया था। सुक्खू सरकार ने बिना कैबिनेट के पूर्व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के चुनाव क्षेत्र के दफ्तर में ताला जड़कर कड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। पूर्व जयराम सरकार ने 26 अगस्त की कैबिनेट में धर्मपुर के सिद्धपुर में डिप्टी डायरेक्टर सेंटर ऑफ हॉर्टिकल्चर एक्सलेंस दफ्तर खोलने की मंजूरी दी थी। 27 अगस्त को इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई थी। अब इसे डीनोटिफाई करने की अधिसूचना जारी की गई है। सिद्धपुर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस खोलने के बाद मंडी इकलौता ऐसा जिला बन गया था जहाँ बागवानी के दो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस हो गए थे। गौरतलब है कि सुक्खू सरकार ने 12 दिसंबर को निर्णय लिया था कि जयराम सरकार द्वारा बीते 9 महीने के दौरान विभिन्न दफ्तर खोलने के निर्णय को रिव्यू किया जाएगा। इसके बाद सभी विभाग 9 महीने के दौरान खोले गए दफ्तर की विस्तृत जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। पता किया जा रहा है कि कितने दफ्तर पूरी तरह फंक्शनल हो गए हैं और कितनों की घोषणाएं कागजों में है। लिहाजा अब इन्हें बंद करने से पहले कैबिनेट में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।